श्री राधा रानी की कथा। आज हम आपको श्री राधा रानी के किशोरी जी बनने की रोचक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफ़ी है। राधा नाम के जप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधा कांत वक्त ने हमें राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की बड़ी ही दिलचस्प कथा बताई, जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार से राधा रानी किशोरी बनी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देख ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देख श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूँ मुस्कुराते देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान लें। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा कि वह अष्टावक्र जी के अंतर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत श्री कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टावक्र ऋषि ने अपने भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज में हर बालिका को किशोरी जी का रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो ये थी श्री राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की कथा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।